उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, गोवंश व दुधारू पशुओं का अवैध परिवहन, वध और मांस की बिक्री आदि घटनाओं के रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया गया। हमारी सरकार गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है। हमने सजा और जुर्माने का प्रावधान करने के लिए सुनिश्चित किया कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं और इसके लिए हमने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी ली है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया। अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सिद्ध करना कि तस्करी नहीं हो रही, अभियुक्त पर होगा। अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज लाइव। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके, विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैक्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञापत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सजा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा, इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे इसके लिए, जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी है और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है।